हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो चैप्टर सिक्स का अभी 129 पेज का ट्राई दिस को हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है फाइंड द अननोन लेंथ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो आपका एक्सरसाइज है ये मेनली पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है। पहले समझ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ओके। द अदर टू साइड्स आर नोन एज द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज द जो नीचे लिखा है वो दैट इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स, ओके। यानी कि ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल को अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, समझ के। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं एक करके। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये पाइथागोरस जो थ्योरी है इस पे फॉल करेगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना है? 9 है। 4 स्क्वायर कितना है? 16 है। तो ये कितना बन जाएगा आपका? एक्स का स्क्वायर, ओके। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दैट इज 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स कितना हो जाएगा? ये 25, 5 का स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू 5, ओके। तो आप और एक स्टेप पे लिख सकते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू 5, ओके। तो एक्स हो जाएगा 5, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां भी सेम वे में दिया है, 8 और 6 दिया है और एक्स दिया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, 64 प्लस 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जोड़ दें ऐसे 100, अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 10, ओके। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है 15 और 8 का, तो सेम वे आप लिख सकते हैं और कुछ करना नहीं उसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 इंटू 15 तो 225, ओके 225। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 इंटू 8 64, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये 8 और ये 2, ओके। तो ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289, ओके। ये 289 है। तो अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना है ये आपका 17 का स्क्वायर है ये, ठीक है। दिस इज स्क्वायर ऑफ 17, तो एक्स इज इक्वल टू 17, ओके। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।